वाह समोसा चलिए इसे शेयर करते हैं ठीक है तो ये मैं रख लेती हूँ और तू एक काम कर ये तेरा ये मेरे और ये तेरा ये ये कैसी शेयरिंग होती है The next day. <laughs> इतने सारे चिप्स कितना मजा आएगा शेयर करते हैं इक्वली इक्वल ठीक है तो ये एक चिप्स तुम्हारे ओके ये एक पैकेट मेरा ठीक है ये आ, दो पैकेट्स तुम्हारे और okay. दो पैकेट्स मेरे थ्री ये तीन पैकेट तुम्हारे हैं वन टू और थ्री ये तीन पैकेट मेरे ठीक है इक्वल है बराबर है? चलो मैं, मिनट, ये थोड़ी हुआ? What do you want? तुम्हारा हाथ भर गया मेरे पास बस इतने है। फिर से शेयर करो इस बार इक्वली इनको तो नहीं पता शेयरिंग के बारे में हम सीख लेते हैं चलो क्लास में चलो तो स्टार्ट करते हैं आपकी सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग और ये चैप्टर मतलब हमारे समोसे के शेयरिंग से हल्का सा अलग है ये ये इस चैप्टर में में हम समझेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी पावर को बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट होता है ठीक है और किस तरीके से हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये भी आप पढ़ोगे एंड अलग अलग कंट्रीज की थोड़ी बहुत कहानी भी आप लोग डिस्कस करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टार्ट करते हैं अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट पता है क्या होती है डेमोक्रेसी में कभी भी एक इंसान के पास या एक ग्रुप के पास सारी पावर्स नहीं आती ये सारी चीजें हमारे राजा रानी के सिस्टम में हुआ करती थी कि एक राजा है रानी है उनके हाथ में सारी पावर्स हैं, रॉयल फैमिली के हाथ में सारी पावर्स हैं है, है ना? पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में हमने बहुत ही वाइज तरीके से पावर को बराबर बराबर तरीके से अलग अलग ग्रुप्स को पकड़ा दिया है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी लेजिस्लेचर का काम होता है हमारे लिए अलग अलग लॉज बनाना ठीक है एग्जीक्यूटिव उन्हें इंप्लीमेंट कराते हैं एंड जुडिशरी मतलब हमारा कोर्ट का जो पूरा सेटअप है जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सब है ना तो हमने क्या करा है अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं एंड इनको अलग अलग पावर्स दिए जो कि हमने इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना तो इस टाइप के सेटअप को हम लोग डेमोक्रेसी में एंकरेज करते हैं अभी इस चैप्टर में मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी कि ये होता क्या है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस सेटअप को क्या कहते हैं ये सब समझेंगे पर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टोरी मोड में जाने वाले हैं ठीक है तो मैं आपको दो कंट्रीज की कहानी सुनाने वाली हूँ आप देखोगे कि दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम सम वॉट सेम सी थी पर इन दोनों कंट्रीज का जो तरीका था उस प्रॉब्लम के साथ डील करने का वो तरीका अलग था एंड उस तरीके के वजह से अलग अलग टाइप की चीजें इन दो कंट्रीज में अलग होती हैं ठीक है अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका की कहानी एंड आप लोग अपने पॉपकॉर्न वगैरह उठा लो थोड़ा चिल करो और कहानी की तरह सुनते जाओ हम लोग स्टार्ट करेंगे बेल्जियम से यहाँ पे ये मैप मैंने थोड़ा एस्थेटिक के लिए डाला है ठीक है ताकि पीपीटी सुंदर उंदर लगे टेंशन मतलब अभी आगे जाके मैंने एक प्रॉपर मैप डाल रखा है तो उसके थ्रू मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी तो बेल्जियम की कहानी जानने से पहले थोड़ा बहुत बेल्जियम के बारे में समझ लो बेल्जियम क्या है ये एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में है ठीक है अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो हरियाणा है ना हरियाणा से भी छोटा है ये साइज में ठीक है एंड इसके बॉर्डर्स में फ्रांस नदरलैंड जर्मनी लुग्जमबर्ग इस टाइप के एरियाज हैं ठीक है अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ वन करोड़ से हल्का सा ज्यादा बेल्जियम की पॉपुलेशन है विच इज अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसकी भी आधी पॉपुलेशन है बेल्जियम की अब बेल्जियम में लोग किस टाइप के थे किस लैंग्वेज को बोलते थे ये सब समझते हैं ठीक है तो कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में से 59 परसेंट लोग ऐसे थे बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन से थे फ्लेमिश रीजन मतलब बेल्जियम में एक पर्टिकुलर एरिया को फ्लेमिश रीजन कहा जा रहा है अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी ओके okay? तो बेल्जियम के टोटल पॉपुलेशन में से 59 परसेंट लोग ऐसे थे जो फ्लेमिश रीजन से थे और डच लैंग्वेज बोलते थे ठीक है और बेल्जियम में क्या था 40 परसेंट लोग ऐसे थे जो वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे ठीक है रिमेनिंग वन जो लोग थे ये जर्मन बोला करते थे ओके okay. अब यहाँ के कैपिटल सिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स ठीक है तो ब्रुसेल्स में क्या था 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच स्पीकिंग थे ठीक है तो कैपिटल सिटी में आपको थोड़ा अलग देखने को मिल रहा ठीक है अगर हम ओवरऑल बेल्जियम की बात करें तो 59% मतलब मेजॉरिटी लोग डच बोल रहे हैं और फोर्टी परसेंट लोग फ्रेंच बोल रहे हैं है ना और अगर कैपिटल सिटी की हम बात करें कैपिटल सिटी में हल्का सा अलग है यहाँ पे मेजोरिटी लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और ट्वेंटी परसेंट लोग डच स्पीकिंग है ठीक है तो इस टाइप का एक सेटअप था बेल्जियम में ठीक है अब वैसे तो ओवरऑल बेल्जियम में अगर हम देखें तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे है ना माइनॉरिटी मतलब उनका नंबर कम था है ना एंड ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे ये माइनॉरिटी में थे पर दे वर रिच एंड पावरफुल ये लोग बहुत ज्यादा रिच थे एंड रिच थे तो इनके हाथ में पावर भी थी ठीक है अब ये चीज डच स्पीकिंग लोगों को पसंद नहीं थी ठीक है क्यों नहीं पसंद थी डच स्पीकिंग लोगों को लगता था कि हम मेजोरिटी में हैं फिर भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ये लोग बहुत रिच हैं पावरफुल है इन्हें आसानी से जॉब मिल जाती है अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो ये चीज डच स्पीकिंग लोगों को पसंद नहीं थी कि वो मेजोरिटी में है फिर भी उन्हें बेनिफिट्स मिलने में टाइम लग गया ठीक है फिर भी उन्हें थोड़ा डेवलप होने में टाइम लग गया ठीक है तो इस वजह से हम देखते हैं कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की आपस में बनती नहीं थी ठीक है ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब इनकी बनती नहीं थी ठीक है टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन ब्रुजेल्स में अलग ही टेंशन चल रही थी बात करें इन लोगों के बीच की जो टेंशन थी ब्रुजेल्स में अलग ही लेवल में चल रही थी और इसका कारण क्या है हमने डिस्कस करा था अभी कि ब्रुजेल्स में थोड़ा कंडीशन अलग था फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजोरिटी में थे है ना द डच स्पीकिंग पीपल है मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल तो पूरे बेल्जियम में तो डच स्पीकिंग लोग मेजोरिटी में थे पर कैपिटल में वो लोग माइनॉरिटी में थे इसलिए ब्रुजेल्स में थोड़ा कंडीशन अलग था ठीक है और मैंने तुमसे कहा था कि आप प्रॉपर मैप देखेंगे तो मैप देखते ठीक है तो ये जो येलो वाला पार्ट है ना अब मैंने ब्लैक पेन चला दिया तो ये ब्रुजेल्स है ठीक है

तो एक बार अच्छे से देख लो बेल्जियम उस टाइम पे ऐसा था इस टाइप में अलग अलग टाइम अलग्वेजी लोग बेल्जियम में में ठीक है तो ये दिक्कत चल रही थी बेल्जियम लोगों की आपस में बन नहीं रही थी ओके okay, तो बेल्जियम की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ठीक है श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है ज्यादातर बच्चों को पता होगा श्रीलंका के बारे में इंडिया के जस्ट नीचे एक आइलैंड है, उसे हम श्रीलंका कहते हैं ठीक है तो हमारे तमिलनाडु से थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाओगे तो श्रीलंका आ लो, तो हम लगभग हमारे इंडिया के हरियाणा की पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी ठीक है हरियाणा जितनी पॉपुलेशन मिल जाएगी श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है ठीक है यहाँ पे डाइवर्सिटी है ज्यादा एंड यहाँ पे भी अगेन अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ठीक है तो 74 परसेंट जो लोग हैं यहाँ पे ये यह सिन्हा स्पीकर्स हैं ठीक है श्रीलंका में एक लैंग्वेज है ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18 परसेंट लोग यहाँ पे तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं ठीक है अब जो लोग तमिल बोलते हैं ना तमिल बोलने वाले लोग भी दो कैटेगरी के थे ठीक है तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो हमेशा से ही श्रीलंका में ही रहे हैं और वो वहां पे तमिल बोलते थे ऐसे लोगों को श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता था ठीक है कुछ थर्टीन परसेंट लोग ऐसे थे बाकी कुछ ऐसे तमिल्स थे तमिल स्पीकिंग लोग थे जिनको इंडियन तमिल कहा जाता था ठीक है ये ऐसे लोग थे जिनके जैसे परदादा कोलोनियल टाइम पे श्रीलंका आ गए वहां सेटल हो गए एंड उसके बाद उनकी फैमिली वहीं पे स्टार्ट हो गई ठीक है तो इनको इंडियन तमिल्स कहा जाता था क्योंकि इनका जो मतलब की आपस में बन नहीं रही थी ठीक है वो भी अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी के लिए आप लोग श्रीलंका का मैप देख लो तो ये श्रीलंका है ठीक है ये जो येलो एरिया आपको दिख रहा है ना ज्यादातर एरिया येलो ही है ये सिन्हलीज स्पीकिंग लोग यहाँ पे रहते थे ठीक है और ये जो मतलब सा एक एरिया दिख रहा है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल रहते थे ठीक है ज्यादातर नॉर्थ एरिया और ये ईस्ट वाले एरिया में श्रीलंकन तमिल लोग रहते थे बीच बीच में आपको ये मतलब ऐसे ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे इंडियन तमिल्स रहते थे ओके तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग श्रीलंका में इस तरीके से रहते थे ओके मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट ज्यादातर लोग जो सिन्हला लैंग्वेज को बोलते थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे और ज्यादातर लोग जो तमिल लैंग्वेज को बोलते थे वो या तो हिंदू थे या वो मुस्लिम्स थे ठीक है इसके अलावा वहां पे सेवन परसेंट लोग क्रिश्चियंस भी थे जो तमिल भी बोल लेते थे और सिन्हला लैंग्वेज भी बोल लेते थे ठीक है अब आप सोचो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बेल्जियम जैसी है बेल्जियम में भी क्या है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग उनकी आपस में नहीं बन रही श्रीलंका में क्या है तमिल स्पीकिंग स्पीकिंग और सिन्हाला लोग इनकी आपस में नहीं बन रही ठीक है तो ऐसे केस में हम अगर मतलब वर्स्ट केस इमेजिन करें तो क्या हो सकता था अगर हम बेल्जियम की बात करें है ना बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग मेजोरिटी में हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन इतना बढ़ जाए कि डच स्पीकिंग लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया फ्रेंच लोगों को धमकाना स्टार्ट कर दिया ठीक है ऐसा कहा कि हमें कंट्री का पार्टीशन चाहिए ठीक है थीके? ये सारी चीजें स्टार्ट हो सकती थी है ना और ब्रुजेल्स में तो अलग ही पॉलिटिक्स चलना स्टार्ट हो सकती थी ठीक है श्रीलंका में सिन्हा कम्युनिटी मेजोरिटी में थी है ना एंड वो अपनी मर्जी पूरी कंट्री में चला सकती थी तो ये सारी चीजें हो सकती थी क्योंकि टेंशन का माहौल था अब असलियत में हुआ क्या वहां पे वो जरा हम समझते हैं श्रीलंका के बारे में बात करते हैं श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है ठीक है होता क्या है? ये इतना भारी सा शब्द ठीक है आपको ये दिख रहा है मेजोरिटी एक वर्ड आ रहा है इसमें तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा विश्वास कि कंट्री में जो लोग मेजोरिटी में है ना उनकी चलनी चाहिए ठीक है तो श्रीलंका में सिनहला स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे तो श्रीलंका में क्यों होने लग जाता है वो अपनी चलाना स्टार्ट कर देते हैं माइनॉरिटी के लोगों की बात नहीं सुनते चाहे वो सही कह रहे हो गलत कह रहे हो उनको मतलब सप्रेस करके रखना तो इस टाइप की चीज श्रीलंका में स्टार्ट हो जाती है श्रीलंका की अगर हम बात करें इस कंट्री को 1948 में इंडिपेंडेंस आजादी मिलती है और क्या होता है सिन्हला कम्युनिटी के जो लोग थे ये लोग गवर्नमेंट बनाते हैं तो इसीलिए गवर्नमेंट में ज्यादातर लोग सिन्हला स्पीकिंग थे तमिल स्पीकिंग लोग ज्यादा थे ही नहीं तो एज अ रिजल्ट इनकी गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती थी वो सिन्हला स्पीकिंग लोगों के फेवर में होती थी और तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए वो कानून अच्छा नहीं होता था ठीक है तो क्या चल रहा था यहाँ पे सिंपली अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूं तो सिन्हला लोग मेजॉरिटी में थे तो वो अपनी चला रहे थे ठीक है और तमिल स्पीकिंग लोगों की ज्यादा सुन नहीं रहे थे 1956 में क्या हुआ एक एक्ट पास किया गया जिसमें कहा गया कि सिन्हला को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है सोचो तमिल स्पीकिंग लोगों को कैसा लगा होगा कि हम भी तो मतलब कोई लैंग्वेज बोलते हैं ऐसा क्यों कि सिर्फ सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया ठीक है नेक्स्ट अलग अलग प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ बनाई जाती थी जिसके थ्रू श्रीलंका में सिन्हला लोगों के लिए रहना आसान हो गया था तो अगर श्रीलंका में कोई सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब लेना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना सीट पकड़ लेना ये सब बहुत आसान हो गया था ठीक है फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनता है और इस संविधान में कहा जाता है कि बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाएगा हमने पढ़ा था ना सिन्हला स्पीकिंग लोग ज्यादातर तो हम लोग क्या करेंगे अगेन तमिल स्पीकिंग लोगों को बुरा लगा होगा क्योंकि वो ज्यादातर हिंदू या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे ठीक है ऑल दीज ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन ठीक है एक के बाद एक जब गवर्नमेंट सिन्हाला स्पीकिंग फेवर आ, आ, में अलग अलग कानून बनाने लगी तो तमिल स्पीकिंग जो लोग थे उनको मतलब एलियनेटेड फील होने लगा ठीक है इसका क्या मतलब है दे स्टार्टेड फीलिंग कि वी डू नॉट बिलोंग हियर ठीक है हमें साइडलाइन किया जा रहा है ओके तो ऐसे में क्या होता है जो श्रीलंकन तमिल्स थे जो तमिल स्पीकिंग लोग थे इन्होंने पार्टीज बनाई ठीक है इन्होंने अपने तरफ से स्ट्रगल करा स्ट्राइक्स करे अलग अलग चीजों के थ्रू बताने की कोशिश करी कि हम भी कंट्री में रहते हैं हमारे लिए भी कुछ करो पर इनकी जो डिमांड थी ठीक है उसे कभी सीरियसली लिया नहीं गया एंड इनके डिमांड्स को हमेशा सप्रेस कर दिया जाता था 1980s तक क्या होता है बहुत सारी सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट के बारे में बात करने लग जाते हैं ठीक है नाइनटीन में अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं जो ये कहने लगते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट अलग एक एरिया चाहिए जहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग रहे तो ये लोग कहते थे कि हमें तमिल एलम चाहिए ठीक है एलम का मतलब होता है स्टेट क्योंकि श्रीलंका में हमने देखा था ना मैप में कि नॉर्थ और ये वाला जो एरिया था नॉर्थ और ईस्ट वाला एरिया यहाँ पे ज्यादा तमिल स्पीकिंग लोग थे तो उन्होंने कहा कि हमें एक इंडिपेंडेंट एरिया दे दो जहाँ पे हम तमिल स्पीकिंग लोग रहेंगे ठीक है तो इस चीज के ऊपर हम देखते हैं कि दोनों कम्युनिटीज बहुत ज्यादा लड़ने लग जाते हैं सिन्हा स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग लोग इस हद तक कि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है क्या होता है सिविल वॉर जब एक कंट्री के अंदर कंट्री के ही लोग आपस में इतना लड़ने लग जाते हैं कि एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ठीक है तो क्योंकि वॉर चल रहा था सिविल वॉर था तो हम देखते हैं कि दोनों कम्युनिटीज के तरफ से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है इसी दौरान इतना वायलेंस होता था कि काफी सारे फैमिलीज को अपना घर श्रीलंका छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा था भागना पड़ रहा था वहां से वायलेंस से बचने के चक्कर में ठीक है हमने वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है कि श्रीलंका बहुत ही बढ़िया कर रहा था एक टाइम पे ठीक है इकोनॉमी के कंटेक्ट में श्रीलंका मतलब एकदम मस्त मचा रहे थे ये लोग पर उसके बाद वॉर का माहौल स्टार्ट हो जाता है एंड हमें पता है वॉर के माहौल में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है ना तो सिविल वॉर की वजह से टेरिबल सेटबैक फेस करते हैं ये लोग ओके चलो तो ये श्रीलंका की कहानी थी तो शॉर्ट में सम अप करते हैं सिन्हा स्पीकिंग लोग थे तमिल स्पीकिंग लोग थी उनके आपस में बनी रही थी एंड फिर क्या हुआ मेजोरिटेरियनिज्म uh, फॉलो करने लग जाते हैं ये लोग जो uh, सिंहला स्पीकिंग लोग थे ये तमिल स्पीकिंग लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ठीक है एंड इतना बुरा माहौल हो जाता है कि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है ये चल रहा था अपना श्रीलंका में अब हम बात करते हैं ठीक है बेल्जियन लीडर्स ने क्या करा ये जरा हम समझते हैं दे टुकथ अब मैंने आपको बताया बेल्जियम श्रीलंका इन दोनों की प्रॉब्लम से डील करने का तो रेकोग्नाइज करा? करा कि हाँ यार कंट्री में रीजनल डिफरेंस तो हो रहा है अब इन्होंने बैठ के सोचना स्टार्ट करा कि हम क्या करें जिसके थ्रू हम पीसफुली इस मैटर को रिजोल्व कर सकते हैं तो 1970 से 1993 के बीच में ये लोग पता है क्या करते हैं ये अपने संविधान को चार बार एमेंड करते हैं एमेंड करना मतलब चेंज करना इधर उधर ठीक करना ठीक है क्योंकि एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे ठीक है जिसके थ्रू फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी खुश हो जाएं और डच स्पीकिंग लोग भी खुश हो जाएं तो ये लोग things को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे 1970 या 1993 के बीच में ये बहुत बैठ के सोचते हैं संविधान को चार बार एमएंड भी करते हैं ठीक है तो एमएंड करने के बाद जो नया मॉडल बनता है इनके आ, कंट्री में उस मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके संविधान में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ठीक है मतलब यूनियन गवर्नमेंट में फ्रेंड स्पीकिंग और डट स्पीकिंग लोग इक्वल रहेंगे ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा कि डच लोग ज्यादा हैं या फ्रेंच लोग ज्यादा हैं फिर क्योंकि तो वो अपने कम्युनिटी के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे तो इनके संविधान में कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर बराबर रखेंगे मिनिस्टर्स को डच स्पीकिंग मिनिस्टर एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को ओके नेक्स्ट मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो कंट्री में जो दो मेजर रीजन थे वहां के स्टेट गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पावर्स दे दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया जाता है कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं कर रहे काफी हद तक तुम अपनी चला सकते हो ठीक है ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में हमें पता है कि थोड़ी स्पेशल प्रॉब्लम uh, चल रही थी वहां पे तो ब्रूजेल्स के लिए क्या करा उनको अलग सेपरेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी ठीक है रिप्रेजेंटेशन मिली उनको यहाँ पर भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों को ब्रूजेल्स के गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तो इस तरीके से ये लोग अपने प्रॉब्लम को बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से सोल्व करते हैं है ना एंड अगर हम लोग बात करें बेल्जियम की तो इस टाइप के साइंस हमें देखने को मिलते हैं बेल्जियम में जिसमें आप देखोगे कि ये एक स्ट्रीट साइन है जो कि दोनों लैंग्वेज में लिखा है ठीक है फ्रेंच में भी लिखा है और डच में भी लिखा है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो उन्होंने अपने साइंस को भी दोनों लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट कर दिया है ओके वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका ओके तो इन दो कहानियों से हमने सीखा क्या हमने ये सीखा कि ये दोनों की दोनों कंट्रीज थी तो डेमोक्रेसीज़, दोनों की दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम भी सेम थी, पर दोनों कंट्रीज का तरीका अलग था इस प्रॉब्लम के साथ डील करने का ठीक है बेल्जियम में क्या हुआ उनके लीडर्स को रियलाइज हुआ कि कंट्री की यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्होंने लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए सोल्यूशन को निकाला श्रीलंका में क्या हुआ श्रीलंका में हम एकदम ऑपोजिट सिनेरियो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं मेजोरिटी को अपनी मन मर्जी चलाने देते हैं। okay? चलो. तो ये अब हमारा हो गया है अब हम जरा इस स्टोरी से हमने क्या, क्या समझा है ये सारी चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ओके वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल पावर शेयरिंग इतना बढ़िया क्यों है ठीक है क्यों आपको टेंथ में इतना मतलब प्यारा सा एक चैप्टर पकड़ा दिया गया है इसके ऊपर फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस दॉसिबिलिटी ग्रुप ठीक है पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूस हो जाता है ये चांसेस कि लोग आपस में लड़े वॉर करें ये चांसेस कम हो जाता है है ना हमने अभी देखा बेल्जियम में उन्होंने पावर शेयरिंग करी तो वहां पे वायलेंस नहीं हुआ है ना श्रीलंका ने नहीं करी तो वहां पे वायलेंस हुआ ओके okay, जैसे अभी स्वाति दीदी और मैं समोसा बांट रहे थे तो अच्छे से पावर शेयरिंग नहीं हुई तो वायलेंस हुआ मैंने कुछ फेंका था उनके ऊपर आई थिंक है ना पर अगर वो देखो प्यार से मुझे समोसा दे देती तो मुझे समोसे से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था यार तो आ, वो प्रॉब्लम विदाउट वायलेंस सॉल्व हो सकती थी ठीक है चलो सोशल कंफ्लिकस है? अगर मान लो पावर शेयरिंग नहीं हो रही तो क्या होगा होगा जैसे हो रहा था श्रीलंका में है है ना तो वायलेंस होने लग जाता है के वजह से और जहां पर भी वायलेंस होता है ना वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाती वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता ओके तो जहां पर भी लोग लड़ रहे होते हैं वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता ओके चलो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना ये हमारे डेमोक्रेसी का स्पिरिट है ठीक है डेमोक्रेसी में हम लोग क्या कहते हैं कि सबके हाथ में पावर होनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक इंसान अपनी चला रहा है वो तो फिर अपना डिक्टेटरशिप मोनाक का सिस्टम उस सब में चलता था डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही ये है कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न डेमोक्रेसी में हमारे पास ये हक है कि हमें कंसल्ट किया जाए कि आप किस तरीके से गवर्न होना चाहते हो बताओ ठीक है तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट कैसी होती है वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम ठीक है जहां पे हम सिटीजंस के पास राइट हो कि हम लोग भी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाए ठीक है चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग करने का तरीका क्या होता है ठीक है अलग अलग तरीके होते हैं तो उसको हम समझेंगे बहुत लंबे टाइम तक तो पता है हमें क्या लगता था कि पावर शेयरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता था राजा रानी का सिस्टम होता था तो हमें लगता था कि इट इज कंप्लीटली नॉर्मल कि हम एक आदमी या एक ग्रुप के हाथ में सारी पावर्स दे दें पर धीरे धीरे ओवर टाइम हमें रियलाइज हुआ कि ये जो सिस्टम uh, है ये वर्कआउट नहीं करेगा तो धीरे धीरे हम लोग पावर शेयरिंग की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर ठीक है पावर शेयरिंग में हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो लोग हैं जो जनता है उनके हाथ में पावर है ठीक है डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि लोग सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पावर का ठीक है पब्लिक के हाथ में पावर होनी चाहिए ठीक है तो इसमें एक तरीका होता है पावर शेयरिंग का जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ठीक है तो आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक एग्जाम्पल दो ठीक है तो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था ना कि थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है हमने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बना रखा है ये हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग भाग हैं एंड हमने क्या कर रखा है इनको इक्वल पावर्स दे रखी हैं इनका फंक्शन भले ही अलग है पर इनकी पावर्स इक्वल है हम कभी ये नहीं कहते कि लेजिस्लेचर जुडिशरी से ज्यादा पावरफुल है या एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा पावरफुल है नहीं हम इन तीनों को बराबर मान के चलते हैं इस टाइप के सेटअप को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पावर आपने अलग अलग लोगों को दे दी पर वो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं पर बराबर है ठीक है आप इस तरीके से समझो कि मान लो मैं क्या कर रही हूं मैं क्लास में सब्जेक्ट वाइज मॉनिटर्स बना रही हूं ठीक है तो मान लो तीन लोग हैं ए बी और सी ठीक है ए जो बच्चा है इसे मैंने कहा कि यार तुम मेरी हेल्प करो सोशल साइंस में मैं जब भी होमवर्क दूं जब भी क्लास दूं बच्चों को इन्फॉर्म करू ठीक है बी जो है बी से मैंने कहा कि तुम केमिस्ट्री में हेल्प करो जब भी केमिस्ट्री की क्लास आए बच्चों को होमवर्क के बारे में बताओ क्लास के बारे में बताओ ठीक है सिमिलरली सी से मैंने कहा कि तुम बायोलॉजी में हेल्प करो ठीक है तो ए बी एंड सी इनके पास बराबर पावर है, है ना पर इनका फंक्शन कहीं ना कहीं अलग है ए सोशल साइंस संभाल रहा है बी को केमिस्ट्री पकड़ाया है सी को क्या पकड़ाया था बायोलॉजी हाँ, शायद ठीक है तो हाँ इनका फंक्शन समवोर्ट सेम है फंक्शन समवोर्ट अलग है बट पावर इनके पास सेम है इसे हम कहते हैं हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओके चलो सच ए सेपरेशन एनश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कोई एक ग्रुप अनलिमिटेड पावर गेन नहीं कर सकता ठीक है जुडिशरी के लोग अचानक से ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सबसे ज्यादा पावर है बाकी सारे लोग हमारी मान के चलेंगे ठीक है इस टाइप के सिस्टम में क्या होता है एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्रिएट हो जाता है ठीक है ये तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं ये एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं कि ये हम सारे लोग डेमोक्रेसी के हिसाब से ही चल रहे हैं ना तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर नजर रखते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर नजर रखते हैं इस तरीके से चेक एंड बैलेंस एक दूसरे के ऊपर नजर रखना बैलेंस करके ये लोग अपने सिस्टम को चलाते हैं ठीक है चलो अब एक और तरीका है जिसके थ्रू हम लोग पावर शेयरिंग कर सकते हैं पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स हम लोग अलग अलग लेवल में भी पावर को शेयर कर सकते हैं अब इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जैसे अगर मैं इंडिया के गवर्नमेंट का आपको दूं, तो इंडिया में क्या होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं इसका क्या काम होता है पूरे इंडिया के लिए मतलब कानून बनाना है ना उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर फोकस करती है एंड उसके बाद लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट मतलब अपना ये पंचायत म्यूनिसिपालिटी ठीक है ये सब ये लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर विलेज या सिटी के ऊपर फोकस करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अलग अलग लेवल्स में काम कर रही है इसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं ठीक है अगर अगेन तुम्हें एक और एग्जांपल के साथ समझना है तो एक स्कूल को इमेजिन करो तो स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं है ना फिर एक होम रूम टीचर होते हैं ना जो एक पूरे क्लास को संभालते हैं वो क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर क्लास के ऊपर फोकस कर रहे हैं फिर सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं जो क्लास में भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं है ना तो इस टाइप के सेटअप को हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं ठीक है तो इंडिया में हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड लोकल लेवल्स में भी गवर्नमेंट है ठीक है इसी सिस्टम को ना हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं जब गवर्नमेंट के ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं अलग अलग लेवल्स होते हैं तो हम उसे फेडरलिज्म कहते हैं ठीक है और ये तो मैंने बता ही दिया वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर होता है, ये। ओके? पता है क्या हुआ जैसे अगर हम बेल्जियम की बात करें बेल्जियम में पता है क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाता मतलब है डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास अपनी गवर्नमेंट है तो कम्युनिटी के लेवल में भी गवर्नमेंट को लोग बनाते हैं ठीक है ये भी मतलब एक बहुत बढ़िया सेटअप होता है कुछ कंट्रीज में एक और तरीका है पावर शेयरिंग का क्या होता है जो सोशली वीकर सेक्शन हैं या फिर जो वुमेन हैं जिनको हिस्ट्री में मतलब आ, उतने राइट्स नहीं दिए गए उनको प्रमोट करने के लिए ये अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं ठीक है इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ रिजर्वड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसमें क्या होता है हम अलग अलग रिजर्वेशन लेके आते हैं जिसके थ्रू हम लोग सोशली वीकर सेक्शन जैसे अगर मैं बात करूं एस सी की तो हमें पता है हमने हिस्ट्री में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा कि हमने अपने इतिहास में इन लोगों के साथ गलत करा है ना तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम अलग अलग पॉलिसीज़ बना रहे हैं आ, ठीक है ला रहे हैं इनको प्रमोट करने के लिए तो इस के को हम क्या कहते है? कि जो सोशली वीकर सेक्शन है उनके हाथ में भी बराबर पावर चली जाए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पता पावर शेयरिंग पॉलिटिकल भी करते हैं ठीक है प्रेशर ग्रुप्स भी करते हैं ठीक है ये सब भी आपस में पावर को शेयर करते हैं प्रेशर ग्रुप का क्या मतलब होता है आ, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके अलग अलग इंटरेस्ट के ऊपर काम करवा रहे हैं ठीक है कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दो आप उस चीज के ऊपर काम करो तो उसे हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं तो ये लोग भी पावर शेयरिंग का पार्ट होते हैं ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज पावर को कैसे शेयर करते हैं लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आती रहती हैं कंट्री में तो एक तरीके से वो पावर को शेयर ही कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा आप लोगों ने पता है कोयलेषन के बारे में सुन रखा होगा कोयलेशन गवर्नमेंट में क्या होता है आ, मान लो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग साथ में मिलके काम करें तो उन्होंने साथ में मिलके काम करना स्टार्ट करा एंड साथ में मिलके इलेक्शन में आ, उन्होंने फाइट मारा और जीत गए तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में काम कर रही है उसे हम कोयलेशन गवर्नमेंट कहते हैं तो अगर वो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका होता है पावर शेयरिंग का okay? चलो. Traders, में हम ये भी देखते हैं कि लोग क्या बनाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं मतलब मान लो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके सेम इंटरेस्ट हैं तो उन्होंने साथ में मिलकर एक ग्रुप बना लिया उस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एंकरेज करने के लिए तो ये भी हमारे पावर शेयरिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं ठीक है तो हाँ अब बस एक और कॉन्सेप्ट समझ लो वैसे तो तुम लोगों ने वो थैंक यू देख लिया होगा एक और कॉन्सेप्ट समझ लो डेमोक्रेसी में पता है कभी कभी क्या होता है आ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उनकी स्टेट गवर्नमेंट से बनती नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी का एसेंस नहीं है अभी के लिए इतना समझ लो बाकी तो लाइक आई फेडरलिज्म जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको ये सब इन डिटेल बताया जाएगा ठीक है तो ये हमारा बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा चैप्टर था छोटा सा भी चैप्टर था जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी आपको पता ही है कि मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर आपको किस सब्जेक्ट uh, के ऊपर चाहिए ठीक है ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हो रीच आउट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली मुझे बताओ कि क्लासेस में आपको कुछ और स्पेशल uh, चाहिए या किसी और पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में चाहिए तो ये सब भी आप लोग बता सकते हो चलो बच्चों तो दैट्स इट फॉर टूडे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू